ओके स्टूडेंट, ये फोरियर सीरीज प्रॉपर्टीज और फोरियर सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम सिक्स प्रॉपर्टी तक बात कर चुके थे टाइम स्केलिंग तक। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मैं डालता हूँ। फोरियर सीरीज का नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करके आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके भी वहाँ पे ढूंढ लेना फोरियर सीरीज या सिग्नल एंड सिस्टम वाले सीरीज, उसमें जाके देख सकते हैं। तो फिर फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है? पीरियोडिक कन्वोल्यूशन। क्या होता है पीरियोडिक कन्वोल्यूशन में? ये कह रहा है अगर दो सिग्नल है एक्स टी और जी टी, मैंने कहा उनके हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पता हो। ये कह रहा है अगर हम उन दोनों सिग्नल का कन्वोल्व कर दें, उनका कन्वोल्यूशन ले लें, देन क्या उनके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं इसमें। ये कह रहा एक सिग्नल एक्स टी है जिसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी के है, दूसरा सिग्नल है जी टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है जी के, ठीक है। देन होगा क्या अगर मैं इन दोनों का कन्वोल्यूशन ले लूँ, ठीक है, मुझसे पूछा जाए इस इन दोनों का कन्वोल्यूशन ले लिया मैंने, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा, ठीक है, टोटल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा। तो हम क्या करें, हम इसके लिए तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेगा नॉर्मल इंसान, एक्स टी और जी टी को पहले एक सिग्नल बना लेता हूँ उसके बाद फाइंड करता हूँ, लेकिन उसकी हमें ले जरूरत नहीं है। अगर हमें एक्स टी और जी टी का सेपरेटली पता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा इनका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, कैसे करेंगे, केवल जो इन दोनों का मैंने कहा पीरियोडिक होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ये भी टी नोट से पीरियोडिक है, ये भी टी नोट से, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया पहले वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, केवल टी नोट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी का सी के इंटू जी के, ठीक है, कन्वोल्यूशन में ये होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की। अगर मैं सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तब क्या होगा, मान लो एक सिग्नल है एक्स टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी के, और दूसरा सिग्नल है जी टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है जी के। अगर मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका पूरे का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इनके कन्वोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तो सी के कन्वोल्यूशन जी के। इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, कन्वोल्यूशन कैसे सोल्व करते हैं, के कस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं हमारे कन्वोल्यूशन को सोल्व करने तरीका, सॉरी यहाँ के नहीं, ये के तो ऑलरेडी देखा था, हमें कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा जैसे वहाँ पर लेते थे, एल ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, कोई सा पहला सिग्नल ले लो सी एल लिख लो, नेक्स्ट जी के माइनस एल, ऐसे लिखते हैं ना कन्वोल्यूशन को सोल्व करते हैं, ठीक है, या हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, कोई कोई इससे पहले जी बना देगा उसको वो बना देगा, तो एल इक्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एल और सी के माइनस एल, कोई ऐसे भी तो सोच सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आएगी समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 डिफरेंशिएशन। अगर हम मैं सिग्नल का डिफरेंशिएशन कर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा हमारे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पे। यहाँ पे देखो अगर एक्स टी का मैंने कहा फिर से सी के ही है, अगर मैं इसका अपने जो ओरिजिनल सिग्नल दे रखा उसका डेरिवेटिव फाइंड कर दूं देन क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे इस पे, क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, क्या होगा जे ओमेगा नोट के हो जाएगा, ठीक है, जे ओमेगा नोट के हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी का क्या आ जाएगा सी का आ जाएगा, ठीक है, जे ओमेगा नोट के सी के, ओमेगा नोट की वैल्यू पता ही है कितनी है, 2π/T0 हमने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, तो सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा जे ओमेगा नोट के सी के, ठीक है, ये थे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, कितनी हो गई 9 तक हो गई थी, 10th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है,
अगर हमारा एक्स टी रियल एंड ओड है, ठीक है, अगर हमारा एक्स टी क्या सॉरी पहले रियल है, एक्स टी क्या रियल भी है और इवन है, एक्स टी हमारा क्या रियल एंड इवन है, तब क्या होगा इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा सी के वो किस टाइप का होगा, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा वो सी के, सी के भी कैसा होगा रियल प्लस इवन, कैसा होगा रियल एंड इवन, ठीक है। अगर हमारा नेक्स्ट एक्स टी जो किस टाइप का हो, रियल भी हो लेकिन ओड हो, ठीक है, हमारा सिग्नल रियल है लेकिन ओड हो, तब सी के क्या आएगा उसका, सी के जो आएगा वो क्या आएगा, सी के जो आएगा हमारा रियल की जगह प्योरली इमेजिनरी आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी आएगा, प्योरली इमेजिनरी एंड ओड, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पार्सेवल थ्योरम, इसको डबल मार्क बना के लिखना, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है इस पर, और हम बहुत ज़्यादा मैं डीप में बात करूँगा, इसका मैं अलग ही नए समय टॉपिक बनाऊँगा। तो पहला क्या पार्सेवल थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारा सिग्नल है एक्स टी उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी के, देन ये क्या करती है, देखो हम जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं तो इसमें फोरियर सिग्नल जो होगा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक सॉरी पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक सिग्नल जो होता है उस पीरियोडिक ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल, और पावर इसका मतलब जो इसकी पावर होगी वो कितनी होगी, एक्स टी की जो पावर होगी हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हमें एक्स टी वाला फार्मूला पावर वाला जो हम फार्मूला लगाते थे वो यूज़ करने की जरूरत नहीं, कैसे निकालते थे हम वन अपॉन वन पूरा पीरियड इस टाइप से निकालते थे ना, यहाँ पे पूरा पीरियड आता था, हम क्या करते थे जो भी सिग्नल होता था उसका मोड के साथ स्क्वायर करते थे डी टी, इस टाइप से निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सिग्नल पीरियोडिक है तो हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सी के अगर हमें पता है तो कैसे करेंगे, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम सी के का मोड करके स्क्वायर करके उसको क्या कर देंगे, उसका समीशन ले लेंगे, दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड द पावर, ठीक है, ये किसका एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ एक्स टी, एक्स टी हम क्योंकि मान के चल रहे एक सिग्नल है, एक्स टी क्या हो सकता है, जो सिग्नल होता है हमारा वोल्टेज हो सकता है करंट हो सकता है, ठीक है, ये होगा, तो अगर वोल्टेज या करंट है हम क्या मान के चल रहे ये जो पावर है केवल आर इक्वल्स टू वन ओम के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, एक्स टी क्या हो सकता है, ये वोल्टेज सिग्नल हो सकता है और करंट सिग्नल हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, तो इस पावर कैसे निकालेंगे, अगर ये वोल्टेज पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर के लिए लिख रहा हूँ मैं, वोल्टेज के लिए क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी क्या हमारा यहाँ पे एक्स टी यानी एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा अपॉन आर, ठीक है, हम क्या करेंगे ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन आर भी आ जाएगा, अगर आर यहाँ पे आर की कोई वैल्यू दे रखी है तो, लेकिन हम यहाँ पे आर इक्वल्स टू वन मान के चल रहे हैं, ठीक है, और करंट के लिए क्या होता है आई स्क्वायर आर, यानी एक्स टी कितना हमारा यहाँ पे अगर करंट की फॉर्म में है तो किसकी फॉर्म में हो जाएगा ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे अंदर आएगा टी, मैं एक बार लिख देता हूँ इंटू आर, ठीक है, अगर आर की कोई वैल्यू दे रखी है, कुछ लोग ऐसा करते हैं आर को छोड़ आते हैं सिंपल वहाँ पे वोल्टेज की वहाँ पे वो बताएगा एक्स टी क्या वोल्टेज है, वोल्टेज जो हमने यहाँ पे निकाला है तो दोनों तरफ क्या करेंगे
हमें आर का डिवाइड करना पड़ेगा वोल्टेज का, तो इधर भी इधर भी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया होगा उसमें आर का भी डिवाइड करेंगे। मैं इसके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कोई बात करने डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर बुक में ये आर इक्वल टू वन दिखा रहता और सिंपल उसी कर, से करते रहते हैं। कभी कभी वो आर की वैल्यू वन कर दे, आर की वैल्यू वन की जगह टू कर देगा, उस केस में गलत हो जाएगा अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो पूरे एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये वोल्टेज या करंट सिग्नल है हमारा, तो पावर क्या होगी, वन अपॉन फोर वोल्टेज सिग्नल, यार एक्स टी कितना हमारा वोल्टेज है, ठीक है, मैंने बोल दिया वोल्टेज सिग्नल है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये पूरा तो आएगा वन अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना इसमें, पूरा बस बाकी का कॉपी कर देना, ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, छोड़ आते हैं ये वाला पार्ट, डोंट वरी, इसके लिए डरो मत, मैं पूरा कराऊंगा इसको, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिलहाल इसे इतना ही लिख लो। अगर एक्स टी हमारा करंट सिग्नल है, करंट है तो क्या होता है, आर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अब क्या करेंगे, आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी का एज इट इज रखना, पूरा प्रोसीजर बाकी का सेम रहेगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस आ गया तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, इतना ही तो है बस। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पे ये खूब समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल इस ये फॉर्मूले इस बार एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये समझ आया होगा, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इस टाइप से हमें फोरियर सीरीज को डीप में बिल्कुल क्लियर करते चले आएंगे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।